विवेक है और मैं शमा एनजीओ का जनरल सेक्रेटरी हूं और जाफराबाद आरडब्ल्यू का भी जनरल सेक्रेटरी हूं। सर आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से विभाग शामिल रहे? देखिए शाहदरा ज़िला से डिस्ट्रिक्ट से जो ये कवायद शुरू की, क्योंकि ये सपना देखा था हमारी डीएम प्रांजल पाटिल ने और उसको धरातल पर लाकर जो परिलक्षित किया है वो है हमारे एसडीएम शाहदरा सतीश कुमार मिश्र जी और उनका पूरा जो डिपार्टमेंट था, सब लोगों ने यहाँ बड़ी मेहनत करके 28 से अधिक जो है विभाग यहाँ पे रहे, जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट रहा, एमसीडी रहा, जिसमें जल बोर्ड वाले रहे, जिसमें बीएससीएस बिजली विभाग रहा, जिसमें मिलिशन सेंटर वाले रहे, जिसमें डेल्सा वाले रहे और इसमें साथ साथ जो है एमसीडी वालों ने भी जो है इभास हॉस्पिटल इभास हॉस्पिटल से रहे, जीटीबी हॉस्पिटल की पूरी टीम रही, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस रहा जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रहा और इसके अलावा यहाँ महिला आयोग के लोग रहे, तो बहुत सारे ऐसे विभाग जहाँ लोगों की पहुँच बहुत कम हो पाती है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर एक छत के नीचे अगर ये पॉसिबल हो पाई हैं तो ये मैं सीधा इसका श्रेय जो है डीएम मैडम को और उनकी जो टीम है जिसमें हमारे एसडीएम शाहदरा साहब और उनका पूरा जो विभाग है, उन्होंने बड़ी मेहनत करके यहाँ कल रात से सब डटे हुए हैं। जिस तरह चुनाव कराया जाता है उससे भी अधिक बढ़कर यहाँ पर तैयारियाँ की गई थी और हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम यहाँ 1500 लोग को एंटरटेन करेंगे, मगर यहाँ 5500 से ज़्यादा लोग आ गए, ये अपने आप में बड़ा है, यानी कि लोग अब जाग रहे हैं, बस जगाने वाला चाहिए। तो सर इस प्रोग्राम को करने के लिए आपने पहले से मस्जिद वगैरह से कोई ऐसे ऐलान वगैरह कराया था? हाँ, इसमें हमने मोबिलाइजेशन किया था, हमने खुद हमारी टीम ने जाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को बताया और साथ साथ मस्जिदों से मदरसों से स्कूलों में जाकर हमने बताया कि अपने अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सब यहाँ पर आएँ और अपना अपना फ़ायदा उठाएँ, तो उसका ये बेनिफिट रहा क्योंकि हमारी जो टीम थी गली गली गई, जिस तरह पॉलिटिकल लोग वोट मांगने जाते हैं, हमने लोगों को जाके वहाँ जागरूक किया कि आइए और अपना जागरूकता कैंप में आप भागीदार बनिए और अपने काम कराइए। सर आपका शुभ नाम? सतीश कुमार मिश्रा जी। सर आज ये क्या प्रोग्राम रखा गया था? सर आज ये शासन की तरफ से रखा था और अगर ये कहूँ कि जैसा फहीम जी ने कहा कि शासन आपके द्वार, आपके आंगन, कि जो सर्विसेज के लिए कई डिपार्टमेंट्स में लोगों को जाना होता है, वो उनके घर के अंदर आंगन में ही उन्हें इस स्कूल में कई कमरे हैं और हर कमरे में कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे, लगभग 28 डिपार्टमेंट को हमने बुलाया था यहाँ पे। आज उनके सर्विसेज लोगों को यहाँ घर बैठे मिली हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स में सिर्फ जानकारी मिली है और कुछ में सर्विसेज जो दे सकते थे वो यहाँ पे दिए गए हैं और अभी ये जारी है, 4 बजे तक ये काम चलता रहेगा। सर मेरे भविष्य में से देखा है कि ये पूरा हिंदुस्तान में पहला एक मेगा कैंप इस जाफराबाद में लगाया गया, तो सर आगे भी इस तरह के कैंप लगते रहेंगे क्या? नहीं, इससे पहले भी कैंप लगते रहे हैं, मैं पहले ये बता दूं, इससे पहले भी कैंप लगते रहे हैं, उनका नाम भी मेगा कैंप रहा है, लेकिन शायद आपकी बात सही है कि ये मेगा कैंप अपने सही अर्थों में मेगा कैंप है, इस वजह से कि सिर्फ 4-5 डिपार्टमेंट तक ये सीमित नहीं रहा, ये कम से कम 28 डिपार्टमेंट तक फैला और इतने ज़्यादा तादाद में लोग आए और विभिन्न सर्विसेज यहाँ पे उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। कम से कम 8-10 तरह के तो टेस्ट और डिपार्टमेंट्स थे सिर्फ हेल्थ की तरफ से। अपना, हाँ बताइए सर, अपना नाम बताएं। लोकेश प्रसाद, एसडीएम हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट शाहदरा। सर आज ये प्रोग्राम जो रखा गया था, सर ये प्रोग्राम में आज क्या क्या काम हुआ, आप थोड़ा जानकारी दे पाएंगे? ये आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग आए हुए थे और उन्होंने जनता को उसके जो सेवाएँ हैं या जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में बताया, समझाया और उनके जो भी क्वेरीज है उनका भी सोल्यूशन किया और जो वहाँ पे ऑन द टेबल वो सोल्यूशन नहीं कर पाए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वो ऑफिस में आ जाएं तो उनको सारी बातें बताएंगे। और हेल्थ के भी कैंप थे, बैंकिंग सर्विस थे, तो हर डिपार्टमेंट के थ्रू, तो इतना बड़ा मेगा कैंप पहले कभी नहीं हुआ था। पहले 4-5 डिपार्टमेंट ही होते थे जो मेन सर्विसेज देते थे, तो इस बार इन्होंने बहुत अच्छा कैंप किया और डिस्ट्रिक्ट का भी ये डायरेक्शन भी है, पॉलिसी भी है कि वो और भी कई जगह पे इसी तरह के कैंप अगर आयोजन करेंगे और जिसमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसमें लाभान्वित होगी। थैंक यू। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।